पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बक्यू नेता बिजली के बकाए पर कनेक्शन काटने पर खफा हैं। उन्होंने बिजली अफसरों को चेताया कि किसान खामोश नहीं बैठेंगे। महेंद्र सिंह रंधावा के मंडल अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली पंचायत अंबेडकर पार्क में की गई। इसमें पांचों जिलों के जिलाध्यक्षों ने मंडल अध्यक्ष का स्वागत किया। तय किया गया किसान समस्या पर एक आंदोलन जल्द ही किया जाएगा। अंबेडकर पार्क में मासिक मंडल पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा ने कहा कि सरकार को करारा जवाब देने को वो तैयार है। गन्ना भुगतान किया नहीं जा रहा है और बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए गए। जरा से बकाए में बिजली के कनेक्शन काटने का काम किया जा रहा है। किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। रंधावा ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। जमीन से जुड़ा हूं और किसानों के लिए काम करूंगा। इस दौरान किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रदेश सचिव डॉक्टर नौ सिंह ने भी विचार रखे। प्रयागराज में बैठक के बाद एक आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बिजनौर जिलाध्यक्ष दिगंबर सिंह, संभल अध्यक्ष शंकर सिंह, अमरोहा के डूंगर सिंह, मुरादाबाद के मनोज कुमार, रामपुर के हसीब अहमद भी मौजूद रहे। और मुरादाबाद से भी काफी सहयोग मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा तो एक मन में विचार है, जो आप लोगों की राह होगी वो फैसला होगा। अपना विचार दे रहे, एक आंदोलन का तरीका तय कर लो। बगैर आंदोलन के काम चलेगा नहीं। यह सोचा एक महीना बैठना पड़ा, अगर चुनना है तो सारा जिला बैठ के उसे हटा दो, दूसरे को बना दो। कौन बने कर गया? अगर खराब कर गया तो जिले से नाम भेजेंगे, क्या जरूरत है ऊपर से आने का? तो आप लोग ऐसे सक्षम बनो, आपस में प्यार मोहब्बत करो। अभी मैं उस दिन रामपुर गया था, कई बिगड़ नहीं चुकता हूँ मैं। मनी भाई ऐसा क्यों बोले? साहब ऐसे ही है, चलो पहली बार है। बोले आपको यहाँ आना होगा। मैंने यहाँ नहीं, किसी गांव में भी बुलाओगे तो वहाँ भी आऊँगा। अगर चार जगह बुलाओगे तो चार जगह जाऊँगा। मेरी जिम्मेदारी है, ये बात बैठ कर बाद में होगी। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी याद करेगा। हाँ एक बात और कह दूँगा, पांचों जिलों के किसी भी कार्यकर्ता की परेशानी है और मंडल में है तो वो हल होगी, हल होगी, हमें बतावे उसे हम हल। मंडल की मीटिंग जो किसान समस्याओं से ग्रस्त है, ना केंद्र सरकार सुन रही ना राज्य सरकार सुन रही, बस एक ही मुख्य समस्या है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द लागू करे सरकार, और लागू नहीं करती पिछली सरकारों की तरह। तो वोट नहीं है गांव में घुसन नहीं देने के इन्हें किसी भी कीमत पर, एक ही है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना। क्योंकि छठा वेतन आयोग लागू हो गया, सातवां वेतन आयोग लागू हो गया, तो इसमें सरकार क्यों दब रही है, क्यों लागू नहीं करती? किसान का बेटा इस समय खेती के लिए बिल्कुल रुचि नहीं है, क्योंकि खेती का हट्टे का सौदा हो गया। आज मंडल मुरादाबाद की भारतीय किसान यूनियन की आज एक बैठक यहाँ अम्बेडकर पार्क में आयोजित की गई है। बैठक का उद्देश्य ये भी था कि आज अब की बार हमारे नव निर्वाचित हमारे मंडल अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह रंधावा को नियुक्त किया गया है, और उन्हीं की नियुक्ति के बाद ये पहली मंडल की बैठक हो रही है। और एक विशाल रूप से हमारे किसान भाई और किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के जितने पदाधिकारी हैं, पूरे मंडल के आज यहाँ पर आए हैं। आज देश के अंदर जो किसानों की हालत है ये किसी से छिपी नहीं है, चाहे गन्ने की पेमेंट को लेकर के मुद्दा रहा हो, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, आज किसानों ने किसान इस सरकार के खिलाफ पूरा हुंकार भर रहे हैं। आज आपने देखा भी होगा पूरी तरीके से, आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये हमारी मासिक मीटिंग होती है मंडल की, किसानों की, सारे पांच जिलों की जो है, पांच जिलों के जिलाध्यक्ष आए हैं, जो किसानों की समस्याएं होती हैं वो सुनी जाती हैं, फिर उनको जिला लेवल पर या कमिश्नर लेवल पर या प्रदेश लेवल पर जिस लेवल की समस्या होती है वहाँ पर क्लियर होता है, उसका निस्तारण कराया जाता है। आज हमारी जो समस्या थी गन्ने का पेमेंट को लेकर है, मुख्य कि गन्ने का पेमेंट और बिजली की समस्या है कि किसान का जब तक कि गन्ने का नया पेमेंट ना हो जाए, किसी भी किसान का डिस्कनेक्शन ना हो पेमेंट के ऊपर। अगर डिस्कनेक्ट होगा तो हम बिजली के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे, और गन्ने का अगर पेमेंट एक हफ्ते में नहीं कराते हैं नए पेमेंट, तो उसका भी आंदोलन छेड़ा जाएगा। उसको लेकर मीटिंग कब तक की आपने आगे, कब तक आपका पेमेंट हो जाएगा, कौन सी तारीख? हमारा तो यही है कि इसके जो पुराना है पुराना हो जाए, ये हमारा है 31
31 दिसंबर तक अगर पेमेंट नहीं होता तो पहले हफ्ते में, जनवरी के पहले हफ्ते में हर ज़िले में, मंडल के पांचों ज़िले में जो है गन्ने के पेमेंट के लिए और बिजली के, अगर ये डिस्कनेक्ट करते हैं किसी भी किसान का ट्यूबवेल का बकाया पर, तो उसका आंदोलन छोड़ा जाएगा।